to the channel chairedy online please subscribe the channel and press the bell icon then our next topic is liquid state this is the another state of matter we already know that matter is divided into solid state liquid state gaseous state plasma and bose einstein condensate एंड वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोगों ने जाना है इससे पहले के वीडियो में तो अब का जो नेक्स्ट वीडियो है ये वो है सॉलिड लिक्विड स्टेट के बारे में मैटर का दूसरा स्टेट लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था <coughs> तो वाट इज लिक्विड स्टेट द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज नो डिफिनिट विच हैज नो डिफिनिटिप मैटर का ऐसा स्टेट जिसके पास डिफिनिट शेप नहीं होता बट वॉल्यूम लेकिन उसके पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड स्टेट तो लिक्विड जो द्रव की अवस्था होती है उसके पास डिफिनिट शेप नहीं होता लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ कंटेनर लिक्विड जो है शेप कंटेनर के शेप पर निर्भर करते हैं जिस कंटेनर में आप उसको रखेंगे उसी कंटेनर के शेप का हो जाएगा लेकिन लिक्विड के पास वॉल्यूम क्या होता है वो फिक्स होता है फॉर एग्जाम्पल आपके एक कॉमन एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि यदि किसी एक लिक्विड को ले आपके घरों में दूध आता होगा तो अगर आप मिल्क को आधे लीटर मिल्क को जो है वो किसी ग्लास में रखे तो दूध का वॉल्यूम उतना ही रहेगा 500 मिलीलीटर ही रहेगा लेकिन उसका शेप क्या हो जाएगा ग्लास के शेप का हो जाएगा यदि आप उसको जो है किसी और बर्तन में रखे तो उस बर्तन के शेप को ले लेगा लेकिन उसका वॉल्यूम क्या रहेगा फाइव मिलीलीटर ही आधा लीटर ही रहेगा तो क्लियर बात है कि लिक्विड स्टेट द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज नॉट अ डिफिनिट शेप बट अ डिफिनिट वॉल्यूम कॉल्ड एज लिक्विड अब आ जाइए लेटेस्ट डिस्कस एबाउ लेटेस्ट डिस्कस अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड लिक्विड की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो पहला तो पहली प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग क्लियर है कि लिक्विड के पास डिफिनिट शेप नहीं होता लिक्विड जो है वो कंटेनर के शेप पर निर्भर करता है लेकिन उसके पास वॉल्यूम क्या होता है वो निर्भिनेट होता है अनदर प्रॉपर्टी इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लोअर देन द सॉलिड डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है वो सॉलिड से कम होती है तो आ जाइए हम डेंसिटी का डेफिनेशन हम लोगों ने जाना था डेंसिटी अगर फॉर्मूले के तौर पर लिखते हैं तो डी इज इक्वल टू एम बाई वी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करें तो डेंसिटी को डिफाइन करते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट एरिया एक निश्चित एरिया में जिसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा रहेंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो एक हम फिगर बनाते हैं सॉलिड सबस्टांसिस का जो फिगर रहता है पार्टिकल्स इस तरह से आ, एक दूसरे से जुड़े होते हैं लिक्विड का क्या होता है थोड़े थोड़े दूरी पर होता है और गैसियस सबस्टिस का क्या होता है बहुत बहुत दूरी पर तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट एरिया में किसके पास ज्यादा है सॉलिड के पास तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है उससे कम किसके पास है तो लिक्विड के पास तो इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम है और सबसे कम डेंसिटी किसके पास है तो गैसियस सबस्टांसिस के पास तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है गैस की तो हम यहाँ लिक्विड की डेंसिटी की चर्चा कर रहे हैं लिक्विड की डेंसिटी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस चलिए हम लोगों के पास दूसरा हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी दूसरी प्रॉपर्टी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लोअर देन द सॉलिड बट मोर देन द गैस अब आइए एम पी एंड बी पी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सबस्टांसेस इज जनरली लोअर देन ट ऑफ सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मेल्ट करने के, का टेम्परेचर और बॉइल्ड करने का जो टेम्परेचर होता है वो सॉलिड की अपेक्षा क्या होता है कम होता है नेक्स्ट अ लिक्विड हैज प्रॉपर्टी टू फ्लो लिक्विड के पास एबिलिटी होती है फ्लो करने की एंड प्रॉपर्टी इन विच एनी सबस्टांस फ्लो दैट इज कॉल्डिटी और लिक्विड के पास जो है फ्लो करने की एबिलिटी होती है तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं नाम देते हैं लिक्विड को फ्लू कहते हैं नेक्स्ट इज इज द स्पेस मोर देन दैट ऑफ सॉलिड अभी हम लोगों ने एक फिगर बनाया है सॉलिड का फिगर ये है इंटरमोलिकुलर फोर्स इसका सबसे ज्यादा है इसका ये इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड की तुलना में कम है और सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका है तो गैस का लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेस किसका सबसे ज्यादा है तो गैसियस का स्पेस ज्यादा है उसके बनिस्पत लिक्विड का कम है और सबसे कम किसका है सॉलिड का तो यहां लिक्विड की बात हम लोग कर रहे हैं तो हमने क्या दिया है द इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ लिक्विड इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है ये सॉलिड की तुलना से ज्यादा है बट गैस की तुलना में कम है

और एक नई प्रॉपर्टी है कि लिक्विड हैज सबस्टांसिस है प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड सबस्टांसिस जो है वो डिफ्यूजन के की प्रॉपर्टी को शो करते हैं मतलब पार्टिकल्स डिफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे में मिल जाते हैं तो ये किसकी प्रॉपर्टी है लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी है चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में थैंक यू वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास नाइन्थ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गैसियस स्टेट

ज डिफिनट शेप एंड डिफिनट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड लिक्विड का डेफिनेशन जाना था डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट अट शेप कॉल्ड एज लिक्विड और गैसियर सबस्टांस का डेफिनेशन जान रहे हैं कि विच हैज ना इधर अट नॉट अ डिफिनिट वॉल्यूम ना ही डिफिनिट शेप होता है ना ही डिफिनट वॉल्यूम होता है दैट इज कॉल्ड एज गैसिय स्टेट और कई गैसेज का नाम जाते हैं ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है ठीक है. है अब आ जाइए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस गैसियर सबस्टांसेस की जनरल प्रॉपर्टीज

सॉलिड तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा उससे कम लिक्विड की और सबसे कम डेंसिटी किसकी गैस की तो so हम लोगों ने यहाँ लिखा है डेंसिटी ऑफ गैस इज लोअर देन दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉलिड और लिक्विड से गैस की डेंसिटी कम होती है लेकिन गैस की कंप्रेसिबिलिटी गैस को कंप्रेस कर सकते हैं है ना द कम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैसियंसेज इज वेरी हाई इसके पास हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आपके एल सिलेंडर में लिक्विड पेट्रोलियम गैस कैसे हायर हाई प्रेशर पर कंप्रेस रहती है है ना या कंप्रेस नेचुरल गैस एग्जाम्पल है ये तो गैसियल सबस्टांसिस के बारे में ए, ए, की प्रॉपर्टी है कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है नेक्स्ट गैसियल सबस्टांसिस हैव हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस गैसियल सब्सटांसिस के पास इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है मैक्सिमम होता है लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा मिनिमम सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस गैसीय सबस्टांसेस के पास उसके बाद लिक्विड एंड देन सॉलिड तो गैसियर सबस्टांसेस हैोल्कुलर स्पेस बट लेस इंटरमोलमोलिकुलर फोर्स तो हमने यहां दिखा है सबस्टेंसेस हैव हाई इंटरमोल्क्युलर स्पेस और नेक्स्ट है गैसीय सबस्टांसिस हैव लो इंटरमोल्क्युलर फोर्स तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसियस स्टेट थैंक यू